हिमाचल और उत्तराखंड के लोग समझते होंगे कि ये बुजुर्ग क्या बना रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक कई राज्यों से हमारे साथ जुड़े हैं और पहाड़ों पर आज की पीढ़ी इन पुरानी चीज़ों को भूल चुकी है, इसलिए हमें लगता है कि आज इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये वीडियो हमारे एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर डाला था। पता चला कि ये वीडियो गिरिपार के आंध्रा का है, जहाँ एक शख्स भाट में मक्की के दानों को भूंद रहा है। इन दानों को भूंद कर पिसवाया जाता है और फिर पानी या लस्सी के साथ मिलाकर खाया जाता है। गर्मियों में ये सत्तू बेहद फायदेमंद होते हैं। पुराने समय में हर घर में सत्तू बनाए जाते थे। इतना ही नहीं, लोग जब कभी घर से बाहर जाते थे तो सत्तू साथ लेकर जाते थे, जहां मन किया पानी के साथ मिलाकर खा लिया। लेकिन आज ये विलुप्त होने की कगार पर है। बहुत कम लोग अब सत्तू बनाते हैं। उत्तराखंड के जौनसार में बड़े पैमाने पर आज भी सत्तू बनाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल में बहुत कम अब लोग सत्तू बनाते हैं। सत्तू के क्या फायदे हैं, आप अपने आस पड़ोस या घर के बुजुर्गों से जरूर पूछें और कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी सत्तू खाए हैं? इसके सत्तू बनाते हैं, ये 6 महीने का राशन बनता है हमारे पका हुआ, और इसको हम लस्सी के साथ खाते हैं, जिसमें चटनी, गुड़ या और चीज़ बनाई, कुछ शक्कर, तो हम ऐसे करके खाते हैं। इसको मिट्टी लाते हैं, मिट्टी ला के फिर पत्थर को जोड़ना और फिर उसमें मिट्टी लगानी और फिर बढ़िया इसको लीप लाप के फिर भाट तैयार करना। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो हम पहाड़ी है, हम ज़्यादा करके सत्तू को बनाते हैं, और क्योंकि स्वादिष्ट है ये और हम खाते हैं इसको। मनुष्य जिससे स्वस्थ रहता है, सत्तू हम लस्सी के साथ और उसके साथ चटनी, राब, गुड़, शक्कर इत्यादि के साथ हम इसका सेवन करते हैं। हम इसके सत्तू बनाते हैं, ये 6 महीने का राशन बनता है हमारे पका हुआ, और इसको हम लस्सी के साथ खाते हैं, जिसमें चटनी, गुड़ या और चीज़ बनाई, कुछ शक्कर, तो हम ऐसे करके खाते हैं इसको। मिट्टी लाते हैं, मिट्टी ला के फिर पत्थर को जोड़ना और फिर उसमें मिट्टी लगानी और फिर बढ़िया इसको लीप लाप के फिर भाट तैयार करना। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो हम पहाड़ी है, हम ज़्यादा करके सत्तू को बनाते हैं, और क्योंकि स्वादिष्ट है ये और हम खाते हैं इसको।